पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे करोड़ों की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन और अक्षय पात्र रसोई का भी करेंगे दौरा। 8 साल में पहली बार मुस्लिम विहीन मोदी मंत्रिमंडल, राज्यसभा से आज विदा होंगे मुख्तार अब्बास, संसद में भी नहीं रहेगा मुस्लिम नुमाइंदा। दक्षिण की 4 शख्सियत पहुंची राज्यसभा। कांग्रेस से बीजेपी में दूसरे फेज की जंग हुई तेज, आज रीवा में कमलनाथ और सीएम शिवराज भरेंगे हुंकार, सीधी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में फैसला, 5.5 लाख गठान बारदाने की होगी जरूरत। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक आज, मॉनसून सत्र समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, अनुपूरक अनुमान को दिया जाएगा अंतिम रूप, खाद की स्थिति को लेकर होगी समीक्षा। रायपुर में 6 साल का मासूम लापता, मां ने पिता पर लगाया आरोप, हिमालयन हाइट्स को सील कर जांच में जुटी राजेंद्र नगर पुलिस। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का, बता दें एमपी में निकाय चुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है, कांग्रेस बीजेपी में दूसरे फेज की जंग तेज हो गई है, आज रीवा में कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। शहडोल, सीधी, रीवा, कटनी में सीएम प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं सीधी में जनसभा को भी संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी प्रचार में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार प्रसार करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल, सीधी, रीवा, कटनी में अपना रोड शो करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की मांग करेंगे। तो रीवा में कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस बीजेपी में दूसरे फेज की जंग अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, आज रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही हुंकार भरेंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मितांशी, आज पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा में आमने सामने होने वाले हैं, तो क्या कुछ उन दोनों के कार्यक्रम होंगे आज के? मितांशी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो पाया। बता दें कांग्रेस बीजेपी में दूसरे फेज की जंग लगातार तेज हो रही है, आज रीवा में कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। शहडोल, सीधी, रीवा, कटनी में सीएम प्रचार करेंगे, तो वहीं सीधी में जनसभा को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी प्रचार में शामिल होंगे। तो यह बड़ी खबर, जब पूर्व सीएम और सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा में आमने सामने होंगे और दोनों ही प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। तो रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोनों ही हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अगर बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की करें, तो शहडोल, सीधी, रीवा, कटनी में सीएम प्रचार करेंगे और सीधी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। दोबारा से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मितांशी, आज पूर्व सीएम और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही आमने सामने होंगे रीवा में, क्या कुछ दोनों का कार्यक्रम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल पहले चरण का जो चुनाव है वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी अच्छे से ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन अब दूसरे चरण की तैयारी में दोनों ही दिग्गज नेता, चाहे हम कमलनाथ की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों ही दिग्गज नेता जुटते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व सीएम कमलनाथ का भी रीवा दौरा है। सबसे पहले जो पूर्व सीएम कमलनाथ की अगर हम बात करें, तो वो रीवा पहुँचेंगे, वहाँ पर वो बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जब भी वो कहीं पहुँचते हैं तो बुद्धिजीवियों
से मुलाकात वो जरूर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जिले में पहुंचे। बुद्धिजीवियों से मुलाकात करने के बाद दोपहर 12 बजे जो वहाँ पर महापौर प्रत्याशी हैं और जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर कुर्सीएम कमलनाथ जो हैं वो वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ये मौका खास होने वाला है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी आज रीवा पहुँचने वाले हैं और 4 बजे जो है वो रीवा पहुँचेंगे और 4 बजे वहाँ पर वो महापौर प्रत्याशियों के लिए और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के और कार्यक्रमों के बारे में बात करें तो आज मुख्यमंत्री शहडोल, सीधी, रीवा और हम अगर बात करें तो कटनी, 5 जगह चुनाव होने हैं। तो आज मुख्यमंत्री 4 जगहों पर पहुंचने वाले हैं और चारों जगहों पर वो पहुंचकर यहां पर जनसभा करने वाले हैं, महापौर प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करेंगे, पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। तो जहां पूसीएम कमलनाथ आज एक जिले को साधने की तैयारी में, अगर हम रीवा की बात करें तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 जिलों में पहुंचेंगे और उनके साथ इस दौरे में आज सीएम और सीएम कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है जहां बीजेपी नेता की गाड़ी को लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता सुनाल पांडे को घेर लिया। सुनाल पांडे समेत कई बीजेपी नेता थाने पहुंच गए। निर्दलीय प्रत्याशी के पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो बीजेपी नेता की गाड़ी को लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बीजेपी नेता जो है वो थाने पहुंच गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पति पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो सुनाल पांडे समेत कई बीजेपी नेता थाने पहुंच गए थे। खरगोन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साघो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में विधायक सीएमओ को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान अतिक्रमण में रखी गुमटी को हटाया जा रहा था, जिस पर विधायक ने सीएमओ को बेवजह गरीबों को परेशान नहीं करने की हिदायत दी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। आपको गरीबों के यही आप टहलने जा रहे हो? के लिए जा रहा हूँ गरीबों के। मैं गरीबों के लिए पूरा जैसे घूम रहा हूँ, वार्ड में घूम रहा हूँ। लोग कई जगह से सुन रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आदमी चिल्ला रहे हैं। मैं हर वार्ड में घूम रहा हूँ। सुन लो, इधर बोल दिया, आप मुझे सुनो। हाँ जी बताए, तुम गरीबों के यहाँ टहलने जा रहे हो जब से आये हो? अभी क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है? चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है। चुनाव में क्या भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करने आए हो? तुम्हारी गतिविधियों से मुझे यही लग रहा है कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने आए हो और ये विजयलक्ष्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। खबर विदिशा से है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिरोंज में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की कई योजनाओं को कमलनाथ सरकार में बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियाँ अब बोझ नहीं है। प्रदेश में जब तक मामा है बेटियाँ की पढ़ाई से लेकर बेटियों के विवाह तक की चिंता मैं करूँगा। कन्या विवाह योजना, निकाय योजना बनाई, तुमने तमक के कहा मैं 51,000 रुपया दूंगा बेटियों की शादी में। हम भी खुश हो गए कि चलो यार 51,000 रुपया मिलेंगे। कई जगह शादी हो गई, निकाह हो गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। मेरे बहनों और बेटियों के साथ धोखा, अब चिंता मत करना, बेटी कोई की भी हो, मेरी तो वो भांजी है, शादी मामा करवाएगा, निकाह मामा करवाएगा। योजना फिर से चालू, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू कर दी गई है। मैं कितनी योजनाओं के नाम लूं, ये सब कांग्रेस और कमलनाथ ने ये योजना बंद कर दी थी। देखो हमारा लक्ष्य है गरीब की जिंदगी बनाना। माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन, 21,000 एकड़ जमीन, 16,000 करोड़ रुपया की वो जमीन सब गरीब जनता में बांटूंगा, गरीबों में बांटूंगा, बड़ों से छुड़ाऊंगा और गरीब में बांटूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? जनता के लिए सरकार, और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि विकास की उमाकांत जी चिंता मत करना। और भ्रष्टाचार की एक आदमी था जिसने कन्यादान में गड़बड़ कर दी, कमलनाथ का आदमी, और जैसे ही उसने गड़बड़ी पता चली
मैंने भाई फोन पकड़ के आया कि गिरफ्तार करो, छोड़ो मत, आपको पता है बर्खास्त है और जेल में पड़ा है, भ्रष्टाचार करने वालों को सड़ा दूंगा, जेल में छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने पुलिस, पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जन समर्थन होता तो क्या इन चीजों की जरूरत होती। सब याद रखें, कल के बाद परसों आएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का शिवराज सिंह के झूठ और घोषणाओं से पेट भर गया है। और दूसरी तरफ कमलनाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारी को धमकाते और अपमान करते थे। मैं कटनी से आ रहा हूं और साफ स्पष्ट है कि जनता आज उनका पेट भर गया है शिवराज सिंह जी के झूठ से, उनके नाटक से, उनके नौटंकी से, उनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया है। और आज 5% गैस पर रेट बढ़ाया, पिछले हाल में ही आटा, पनीर, दही, इन सब वस्तुओं पर 5% GST बढ़ाया। ये अच्छे दिन है भारतीय जनता पार्टी के। कमलनाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। कमलनाथ जान चुके हैं कि चुनाव में कांग्रेस हार रही है, आगे कहा कि हार का ठीकरा फोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, आपने संबल, कन्यादान जैसी योजनाएं बंद कर दी हैं, कर्मचारी पुलिस अधिकारी का अपमान महंगा पड़ेगा। रस्सी जल गई बल नहीं गया, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते थे और अपमान करते थे, और आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और करीब 12 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल में भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है भारी बारिश की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो एमपी में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 12 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है भोपाल से। मितांशी, अगर हम मॉनसून की बात करें तो दस्तक दे चुका है एमपी में मॉनसून, तो इस समय भोपाल की बात करें तो भोपाल में कैसा मौसम है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो सुबह से ही काले बादलों का दौर यहाँ छाया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ बारिश का दौर सुबह से ही आज शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और उसके बाद अब राजधानी भोपाल में तेज़ बारिश का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बारिश भी बढ़ती जा रही है, और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट भोपाल में जारी कर दिया था कि राजधानी भोपाल समेत 12 जिलों में अच्छी खासी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने परसों ही जारी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही थी कि आगे आने वाले एक हफ्ते में अच्छी खासी बारिश होने के आसार पूरे मध्य प्रदेश में है। तो उसका असर यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान है उसकी जो डिस्टर्बेंस है उसके चलते राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जो मानसून है वो पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में येलो अलर्ट है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। तो हम देख सकते हैं कि सुबह से ही कितनी भारी बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं ये जो राजधानी भोपाल के साथ साथ
इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी आज भारी बारिश के आसार है, साथ ही ग्वालियर में कल हमने देखा, ग्वालियर में भी कल अच्छी खासी बारिश हुई है। जबलपुर में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारी बारिश है, यहाँ पर जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है, चाहे अनूपपुर की बात करें, मंडला की बात करें, डिंडौरी की बात करें, जो पूरे जबलपुर संभाग की भी बात करें तो अच्छी खासी बारिश का यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जो है वो बता दिया था कि आने वाले समय में अच्छी खासी बारिश इन जिन जिलों में देखने को मिलेगी और उसका असर साफ तौर पर यहाँ पर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ था और लगातार गरज चमक हो रही थी, तो सुबह से ही बारिश का पूरा मौसम बन चुका था। हालांकि कल दिन भर जब वोटिंग थी मौसम विभाग ने उसका भी अलर्ट जारी किया था, लेकिन कल दिन भर बिल्कुल भी बारिश नहीं देखने को मिली राजधानी भोपाल में, बल्कि उमस का दौर देखने को मिला, गर्मी धूप का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन आज सुबह से ही बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय यहाँ पर हो चुका है और आज भोपाल समेत कई जिलों में बारिश का भारी अलर्ट है। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में तेज बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं श्योपुर में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। पिकनिक मनाने नदी किनारे गए थे लोग, तभी हादसे का शिकार हो गए। श्योपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई है और 4 बुरी तरह से झुलस गए हैं। पिकनिक मनाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बता दें कि नदी किनारे आकाशीय बिजली गिर गई, 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ढाई 3 बजे की खबर आई है, ये नहाने चले गए नदी में, रिश्तेदारी में गर्मी लग पड़ी नहीं, इस गर्मी में नहाने चले गए, पानी आ गया, ये पेड़ के नीचे बैठ गए, 12 लोग थे, 12 जन गया। ये हादसा हो गया, बिजली गिर गई। कितने लोगों पे गिरी? खत्म हो गए। एक श्योपुर जिले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बड़ी दुखद घटना है। जो श्योपुर जिले का कोतवाली थाना अंतर्गत एक डेंटा गांव, वहां के करीब 7 से 8 लोग पिकनिक के लिए गए हुए थे, तो करीब जो 3:30 के आसपास तेज बारिश हुई है, उसी समय बिजली गिरी, तो वहां पे 3 लोगों की डेथ हो गई और 4 लोग घायल थे, जिनको उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। जैसे ही खबर लगी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया है और मृतकों को पीएम के लिए लेके आए हैं। बड़ी दुखद घटना है। तो वहीं देवास में भी बारिश से हालात बिगड़ गए। नाला पार करते वक्त शख्स बह गया, ग्रामीण दौड़कर गए और शख्स की जान बचाई। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहा था युवक और तभी बह गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से युवक जो है बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीण दौड़कर युवक के पास गए और युवक को बाहर निकाल लिया गया। देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर जो शख्स है वो नाला पार कर रहा था और तभी अचानक पानी में बह गया। हिंदू देवी के नाम पर पहले एक फिल्म के विवादित पोस्टर पर घमासान मचा ही था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद दिल्ली कोलकाता से लेकर भोपाल तक विरोध तेज हो गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच में बकायदा धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ा एतराज भी जताया है। मोइत्रा के बयान पर मचे बवाल के बाद खुद उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। इससे पहले भी भाभा परमाणु संयंत्र को लेकर महुआ मोइत्रा ट्वीट कर विवादों में रह चुकी हैं। आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में कब तक धार्मिक भावनाओं पर चोट होगी? हिंदुवादी संगठन सहित बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए दिल्ली कोलकाता समेत कई जगहों पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा रहा है। कोलकाता की तस्वीर देखिए किस तरह से जो महिला मोर्चा है वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने शिकायत दर्ज की गई है। देखिए किस तरह से उनका पोस्टर लेकर जमीन पर फेंक कर पैर से कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो ये लगातार विरोध देखा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने ये बोला ये काली जी माता जी हैं, इनको मात मसरा उसकी देवी हैं, ये तो कहाँ
कहाँ चढ़ता है महात्मा तेरा? मैं भी काली मंदिर पे सेवा करता हूँ, दिखाइए फोटो दिखाइए जरा आप मेरे को, 35 साल से सेवा हूँ काली मंदिर पे। तो इस पे भावना को ठेस लगी मुझे, इसलिए मैंने सर को पहले आवेदन दिया। और एक बात और सुन, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली माँ का अपमान किया गया, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे, किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म को ही क्यों बनाया जाता है, हमारी भावनाओं को क्यों आहत किया जाता है, हमारे देवताओं को ही अपमानित क्यों किया जाता है? अगर है हिम्मत तो किसी दूसरे धर्म का भी तो एक बार बता के दिखाओ। ये मेरे बार बार कहने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उसके पीछे कारण ये है, ये जानते हैं कि हमने ये बात पकड़ ली है और इसलिए हम अब बख्शने वाले नहीं है, चाहे मोहिला मित्रा जी हो चाहे मीणा मक्कली जी हो। अगर 24 घंटे में उन्होंने इस चित्र को नहीं हटाया, माफी मांगी, खेद नहीं व्यक्त किया, तो एक और FIR आज हम करेंगे 24 घंटे बीतने के बाद। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।